वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम लेके आए हैं अपना दूसरा एक नया न्यूमेरिकल जो कि डिसशेड्यूलिंग को समझाता है। वो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से कि आपका जो हेड है वो हेड की जो हार्ड डिस्क है वो टोटल उसमें 200 ट्रैक्स हैं, मतलब इट स्टार्ट फ्रॉम 0 से लेकर के 199 तक। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये लिखी है, फिलहाल ये बोला जा रहा है कि आपका जो जो हेड है अभी फिलहाल 50th नंबर के ट्रैक पे है, मतलब उसकी करंट पोजीशन क्या हुई 50, करंट पोजीशन कितनी हुई 50, और यहां पे उसकी जो जो अभी फिलहाल जो सर्व कर रहा है वो 50 पे कर रहा है और उसने थोड़ी देर पहले 85 को सर्व किया है। उसमें लिखा भी है कि उसने थोड़ी देर पहले 85 को सर्व किया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपका हेड जो है वो 200 का है ट्रैक का, नंबर फ्रॉम 0 टू 199, और वो करंटली अभी सर्व कर रहा है 50th नंबर पे और अभी थोड़ी देर पहले उसने 85 खत्म करके आया है। अब यहां पे अगर आपकी क्यू की रिक्वेस्ट को अगर फीफो ऑर्डर में देखा जाए तो वो लिखी हुई है 100, 199, 56, 150, 25, 155, 70 एंड 85। अब ये बोलता है कि अगर सीक टाइम जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है, मीटर सेकंड पर सिलेंडर मूव्ड है, तो यहां पे कितना सीक टाइम लगेगा स्कैनिंग के अंदर, मतलब स्कैन अगर आप यूज कर रहे हैं तो कितना सीक टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए, इस न्यूमेरिकल को गौर से देखिए जरा, अभी फिलहाल करंट पोजीशन क्या है आपकी, यहाँ पे स्कैन शेड्यूल लगाना है। स्कैन शेड्यूल कैसे लगेगा, स्कैन शेड्यूल ऐसे लगेगा कि आपने 50 पे है, आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा, आप 50 के बाद जो भी आपकी आपकी रिक्वेस्ट सारी आपने पहले तो लिख ली। आप देखें आपकी टोटल रिक्वेस्ट जितनी भी है सारी की सारी कैसी है कि टोटल रिक्वेस्ट जो है आपने सारी की सारी उसको एक फैशन में लिख ली। ठीक, अब 50वें नंबर के ट्रैक पे हो और आपने 50वां नंबर का ट्रैक चल रहा है और 85 खत्म कर चुके हो और आपने बाकी जितनी भी तमाम जो रिक्वेस्ट थी वो सारी रिक्वेस्ट को एक फॉर्मेट में लिख लिया ऐसे डायग्राम के अंदर। यहां से वो क्योंकि स्कैनिंग है तो स्कैन क्या करता था कि हमेशा बिगिनिंग तक जाता था, वो बिगिनिंग से जाके लास्ट सर्विस रिक्वेस्ट तक जाता था। तो आप देखेंगे 50 से वो डायरेक्ट गया 25 पे, 56 पे नहीं गया, SSTF होता तो 56 पे जाता, लेकिन क्योंकि स्कैन है तो स्कैन पीछे की तरफ इनर कोर तक जाने की कोशिश करता है, तो वो 50 से गया 25 पे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 25, में टोटल हेड मूवमेंट का भी लिखता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने जब देखा कि 25 से वो जाएगा 0 पे तो अगेन अगला 25 इतना मूव हो गया, फिर वहां से उसने डायरेक्ट छलांग लगाई 56 पे तो यहाँ पे आ गया 56, फिर 56 से वो गया डायरेक्ट 70 पे तो उसने कैलकुलेट करा 14, फिर 70 से गया वो 85 पे तो आया 15, फिर 85 से गया वो 100 पे तो फिर आया 15, उसके बाद वहां पे उसने सीधा जो 100 था 100 से लेकर के उसने जो छलांग लगाई है वो डायरेक्ट कितने की लगाई है 150 की, मतलब 150 आपकी जो है पोजीशन थी 150th पोजीशन पे आया वो, तो 150 पोजीशन पे जैसे आया तो वहां पे यहाँ पे मिला उसको कितने का 50 का उछाल मिला, क्योंकि 100 से 150 तो इतना ही हुआ ना। फिर उसके बाद वहां से 150 से 155 एंड 155 के लिए 5 प्लस 155 से फिर वो 199 तक गया, और 199 तक जब गया तो यहाँ पे टोटल क्या आया, यहाँ पे टोटल आपका 155 दैट इज 45 एंड 44 आया। तो ये पूरा टोटल ओवरऑल देखें अगर आप तो ये कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे उसने जो पोजीशन मूव करी है वो कुछ इस प्रकार से करी है कि 25 फिर 25 फिर 56 फिर 14 फिर 15 फिर 15 फिर 50, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका 100 से जो आप 150 तक गए तो 50 का फर्क पड़ेगा, उसके बाद फिर उसने 5 और उसके बाद उसने 44। जब आप इसका टोटल करेंगे तो टोटल कुछ इस प्रकार से आएगा 50, 100, 130, 135, 135, 135, then 56, 14 and 44। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 10 and 9, that is 19, and carry 8, 9, 10, 14 का 4, carry 249. इसका टोटल आंसर आएगा 249 सिलेंडर्स इसका आंसर आया। अब बात ही आती है कि टोटल सीक टाइम कितना है, टोटल सीक टाइम के लिए आप जरा वापस से इस क्वेश्चन पर जाइए कि आपने सिलेंडर के मूवमेंट को निकाल लिया है, 6 मीटर सेकंड पर सिलेंडर आपका मूव कर रहा है, तो जब आपने सिलेंडर्स निकाल लिए तो उसमें क्या मल्टीप्लाई कराएंगे, जब आप इसका निकालेंगे टोटल सीक टाइम
तो आप कुछ मत करिएगा, इस 249 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और ये सब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 1494 मीटर सेकेंड, और इसको अगर आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.494 सेकेंड्स, ये इसका फाइनल आंसर। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ टोटल सिलेंडर से काम नहीं होता, मतलब ठीक है स्कैन लगाया आपने, स्कैन का एनिमेशन आपको दिख रहा होगा, आसान है, आपने पढ़ रखा है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इसमें ऐसा भी उलझा देते हैं कि आपका सीक टाइम जो है वो कैसा है, मतलब सीक टाइम में अगर सिलेंडर से आपके नंबर ऑफ मूवमेंट इतने हैं 249 है, तो आपको टोटल कितना लग रहा है। तो इस बात का ख्याल, विशेष ख्याल रखिएगा कि जो भी ये बोला ना 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड पर सिलेंडर, तो पर सिलेंडर, तो एक सिलेंडर का जब 6 है तो 249 सिलेंडर का कितना होगा, 1494 मीटर सेकेंड, और ये मीटर सेकेंड जो है वो आपने उसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, दैट्स इट। और अब हम पढ़ेंगे इसका अगले। थैंक यू सो मच।